नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योजना के बारे में जो बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों के काम आ सकती है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के बारे में। बिहार के अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाले अधिकांश छात्र छात्राएं आज भी गरीबी और कई कारणों से बेहतर शैक्षणिक माहौल से वंचित हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार कई योजनाएं चलाकर ऐसे विद्यार्थियों को शैक्षणिक वातावरण देकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके लिए राज्य में कई एससी एसटी छात्रावासों का संचालन सरकार द्वारा हो रहा है और जहां एससी एसटी छात्र छात्राओं को दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी करने, इन्हें उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा इस वर्ग के युवा विद्यार्थियों को जोड़ने के उद्देश्य से छात्रावास अनुदान योजना चलाई जा रही है। अब आपको इस योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में बताते हैं। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना को चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य के एससी एवं एसटी छात्रावासों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को हर महीने ₹1,000 दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन छात्रावासों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के नाम पर हर महीने 15 किलो मुफ्त अनाज भी मिलता है, जिसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं दिया जाता है। यह खाद्यान्न बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के द्वारा सीधे छात्रावास में ही दी जाएगी। वर्तमान में छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत इस वर्ग के छात्र छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन पाठन हेतु टेबल, कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया इत्यादि की भी सुविधाएं दी जाती हैं। इतना ही नहीं, सरकार के एससी एसटी कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छात्रावासों में कई सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैट्रेस, चादर, पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी दी जाती है। वहीं खाना बनाने के लिए रसोईया इत्यादि की सुविधाएं भी दी जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि छात्रावास अनुदान के लिए योग्यता क्या है। इसके लिए लाभुक का एससी या एसटी वर्ग की श्रेणी में होना आवश्यक है। यह लाभ केवल एससी एसटी विद्यार्थियों को ही मिलेंगे। इसके साथ ही संबंधित विद्यार्थी का एडमिशन बिहार सरकार के एससी एसटी कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल में ही होना जरूरी है। इसके साथ ही विद्यार्थी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में पढ़ाई भी कर रहा हो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि छात्रावास अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए प्रोसेस क्या होंगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस योजना का लाभ केवल एससी एसटी छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चे उठा सकते हैं, तो इसके मुताबिक संबंधित छात्रावास में छात्र छात्राओं की एक लिस्ट तैयार की जाती है और इससे संबंधित सूचना छात्रावास के अधीक्षक द्वारा एससी एसटी कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसका सत्यापन उस जिले के जिला कल्याण के पदाधिकारी के द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है, जिसके बाद अंतिम रूप से लाभ देने के लिए छात्र छात्राओं की एक सूची तैयार कर ली जाती है, जिसके आधार पर बिहार सरकार के एससी एसटी कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय समय पर पीएफएमएस के माध्यम से लाभान्वित होने वाले छात्रों के बैंक अकाउंट में राशि को भेज देते हैं। यहाँ ये भी बता दें कि छात्रों की मासिक उपस्थिति 75% रहने पर ही ₹1,000 अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि आप इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और विद्यार्थियों की संख्या संबंधित बातें जानने के लिए ई कल्याण पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ई कल्याण पोर्टल पर जाना होगा, उसके बाद आपको होम पेज पर ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का टैब दिखेगा, जिस पर आप जाकर छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत लाभुकों की संख्या और भुगतान की गई राशि का सारा ब्यौरा चेक कर सकते हैं। आपको उस योजना पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद नया पेज खुलने के बाद ऊपर दिए गए टैब रिपोर्ट पर जाकर जिलावार अपने हॉस्टल और अपने नाम की सूची को सर्च कर सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही किसी वीडियो के साथ जो आपकी जानकारी बढ़ाएगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस सीरीज में किस योजना के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।